फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल करियर पॉइंट पर। मैं इन्हें आप सबको रीजनिंग पढ़ाऊंगी। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमने अपना फर्स्ट चैप्टर कैलेंडर जो है वो शुरू किया था। और उसमें अभी तक हमने क्या सीखा था, अभी तक हमने सिर्फ दो चीजें सीखी थी कि कोई भी ईयर लीप ईयर है या नहीं, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे हम उस नंबर को, हम उस गिवन ईयर को 4 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर वो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो वो हमारा लीप ईयर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर सेंचुरी ईयर का केस आ जाए तो सेंचुरी ईयर को हम 400 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर 400 से हमारा सेंचुरी ईयर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो वो हमारा लीप ईयर होगा, अदरवाइज वो हमारा लीप ईयर नहीं होगा। दूसरी चीज हमने क्या सीखी थी, कितने सालों में कितने लीप ईयर्स होते हैं, यानी कि कितने सालों में कितने लीप ईयर होते हैं, ये हमने निकालना सीखा था। ठीक है, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना अगला कंसेप्ट। और हमारा अगला कंसेप्ट क्या होगा, नंबर ऑफ ऑड डेज फाइंड आउट करना सीखेंगे हम। नंबर ऑफ ऑड डेज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो गिवन नंबर ऑफ डेज है उनको हम 7 से डिवाइड कर देंगे। और 7 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ ऑड डेज, यानी कि रिमाइंडर ऑफ सेवन इज कॉल्ड ऑड डेज, यानी कि या फिर रिमाइंडर ऑफ सेवन इज कॉल्ड नंबर ऑफ ऑड डेज। अब आप सोचोगे कि हमने 7 से ही क्यों डिवाइड किया, हमने कोई और नंबर क्यों नहीं लिया, 5 क्यों नहीं लिया, 6 क्यों नहीं लिया, या फिर 8, 9, 10 क्यों नहीं लिया। तो उसके पीछे एक रीजन है। देखो, जो भी हमारी फर्स्ट सेंचुरी है, जब भी वो शुरू हुई होगी तो क्या होगा, किसी न किसी एक दिन शुरू हुई होगी। हम मान लेते हैं कि वो हमारी सेंचुरी कब शुरू हुई थी, मंडे को शुरू हुई थी। अगर हमारी सेंचुरी का फर्स्ट सेंचुरी का पहला दिन मंडे था, उससे नेक्स्ट क्या रहा होगा, ट्यूजडे। उसका अगला दिन क्या होगा, वेनसडे। देन थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, देन संडे। और उसके बाद क्या हुआ होगा, उसके बाद फिर आएगा मंडे, ट्यूजडे, वेनसडे, दोबारा से फिर यही साइकिल शुरू हुआ होगा। तो हम मंडे को मान लेते हैं 1, ट्यूजडे को 2, वेनसडे को 3, थर्सडे को 4, सैटरडे को, फ्राइडे को 5, सैटरडे को 6 और संडे को 7 मान लेते हैं हम। तो क्या हुआ, ये हमारा 7 दिनों का जो साइकिल है, ये इसके बाद क्या होगा, कंटिन्यूअसली रिपीट होगा। तो यानी कि हमने जो शुरू में कैलेंडर में दिन बनाए थे वो केवल 7 दिन बनाए थे, मंडे टू संडे, हमने ये सिर्फ 7 दिन बनाए थे। और बाद में उन्हीं 7 दिनों को हमने क्या किया, साइकिल मोड पे छोड़ दिया। इसीलिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने के लिए हमेशा 7 से डिवाइड करते हैं। अब देखो, जैसे अगर वो आपको बोले, हम एग्जांपल लेके देखते हैं, हम यहां ले लिए डेज और यहां हम लिखेंगे नंबर ऑफ ऑड डेज या फिर सिर्फ ऑड डेज, ऑड डेज लिख लेते हैं, ऑड डेज। तो देखो, मान लो अगर वो आपसे पूछे, बताओ 8 दिनों में कितने ऑड डेज होंगे, तो हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा क्या होगा, ऑड डेज होगा। तो 8 को और 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1। तो हमारे 8 में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे, 1। अगर वो आपसे पूछे 10 डेज में ऑड डेज कितने होंगे, तो क्या होगा, 7 × 7 3 रिमाइंडर, तो 3 हमारे क्या हो गए, ऑड डेज। अगर वो आपसे पूछे 15 दिनों में बताओ कितने ऑड डेज हैं, तो 15 दिनों में कितने ऑड डेज होंगे, 7 × 14 रिमाइंडर 1, तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो गए, 1। अगर वो आपसे पूछे बताओ 50 दिनों में कितने ऑड डेज हैं, 7 × 7 = 49 रिमाइंडर 1, तो कितने भी दिनों में पूछे वो, हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ ऑड डेज निकाल सकते हैं। अब देखो, हमें सिर्फ क्या करना है, नंबर ऑफ डेज को क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। उसके बाद जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, ऑड डेज होगा। अब अगर वो आपसे पूछ ले कि बताओ 5
कितने और डेज होंगे? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 वीक्स के डेज निकाल लेते हैं। डेज कितने आएंगे? एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो 5 वीक में 5 × 7 डेज। और डेज निकालने के लिए क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से ही कंप्लीटली डिवाइड होगा क्योंकि 7 का मल्टीपल है, तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, या फिर इसको यू लिख लो, एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज। तो कितने भी वीक्स आ जाए, एन वीक्स, अब एन की जगह 1 हो 2 हो 3 हो, कितने भी नंबर ऑफ वीक्स हो, हमारे ओड डेज वीक में हमेशा क्या आएंगे? 0। अगर मैं मान लो आपसे बोलता हूं बताओ 54 वीक्स में आपके कितने नंबर ऑफ ओड डेज होंगे, तो कितने नंबर ऑफ ओड डेज होंगे वीक में? हमें सिर्फ ये देखना है, एक वीक में 7 दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो कितने भी वो वीक्स दे ले वो हमारे क्या होंगे? सब 7 के मल्टीपल होंगे, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा ओड डेज का कंसेप्ट। मान लो अगर वो आपसे पूछ लेता है कि बताओ किसी भी स्पेसिफिक मंथ का नाम अगर उसने आपको दे दिया और पूछा कि बताओ इस मंथ में कितने नंबर ऑफ ओड डेज होंगे, तो हम क्या करेंगे? मान लो उसने आपको बोला बताओ अप्रैल में कितने नंबर ऑफ ओड डेज होते हैं, तो अप्रैल में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 30। नंबर ऑफ ओड डेज निकालने के लिए 7 से डिवाइड करेंगे, 7 × 4 = 28, रिमाइंडर 2, तो 2 क्या आ गया हमारा नंबर ऑफ ओड डेज। अगर वो आपसे पूछे बताओ मई में कितने नंबर ऑफ ओड डेज होते हैं, तो मई में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 31 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा? 3। तो नंबर ऑफ ओड डेज मई में कितने हो गए? 3 हो गए। मान लो अगर आपसे पूछता है फेब में 28 डेज वाली फेब में आपके नंबर ऑफ ओड डेज कितने होंगे, यानी कि नॉर्मल ईयर की फेब में, तो हमारे क्या आंसर आएगा? 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, हमारे नंबर ऑफ ओड डेज भी क्या होंगे? 0। अगर वो पूछता है लीप ईयर की फेब में, तो लीप ईयर की फेब में कितने डेज होते हैं हमारे? 29 डेज होते हैं, उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, इस तरह से हम निकाल सकते हैं मंथ्स के ओड डेज। अब देखो ओड डेज हमारे ऑलवेज क्या होंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। हमारे ओड डेज सिर्फ इनमें से कोई ना कोई होगा, क्योंकि रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर हमेशा 7 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा क्या होगा? 7 से छोटा होगा, और 7 से छोटे कौन से हो सकते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सिर्फ ये हमारे 7 से छोटे होते हैं, रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा क्या आएगा? 0 to 6 के बीच में आएगा। तो इसलिए हमारे नंबर ऑफ ओड डेज भी सिर्फ क्या होंगे? सिर्फ ये हमारे नंबर ऑफ ओड डेज होंगे 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। कोई मान लो अगर वो आपको क्वेश्चन देता है, इफ टुडे इज मंडे देन व्हाट विल बी आफ्टर 15 डेज, देन व्हाट विल बी आफ्टर 15 डेज। तो इस केस में हमें क्या करना है, सिर्फ क्या करना है, हमें 15 डेज के ओड डेज निकालने हैं। ओड डेज निकालने के लिए हम 7 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? 1। तो वन क्या हो गया हमारे नंबर ऑफ ओड डेज। अब देखो अगर हमें बोला है आफ्टर 15 डेज, बाद का टाइम आगे जाने के लिए बोला है अगर हमें कैलेंडर में, तो हम क्या करेंगे? गिवन डे में हमारे नंबर ऑफ ओड डेज को एड कर देंगे, कि मंडे प्लस वन क्या होगा? ट्यूसडे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ट्यूसडे। मान लो अगर उसने हमें बोला होता आफ्टर की जगह, अगर उसने हमें बोला होता व्हाट विल बी बिफोर 15 डेज, व्हाट वाज, मान लो अगर उसके स्टेटमेंट में ये होता कि बताओ अगर आज मंडे है तो आज से 15 दिन पहले क्या था, उस केस में हम क्या करेंगे? वही 15 के ओड डेज निकाल लेंगे। ओड डेज आगे हमारे बन, टाइम में हमें कैलेंडर में हमें पीछे जाने के लिए बोला है, तो हम क्या करेंगे? मंडे में से, आज के गिवन डे में से नंबर ऑफ ओड डेज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मंडे में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आता है?
आता है मंडे से एक दिन पहले, संडे आता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, संडे। ठीक है, और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरह। अगर मान लो उसने हमें बोला होता इफ टुडे इज वेनसडे देन व्हाट विल बी 24 डेज आफ्टर सॉरी लिखने में थोड़ा गलत हो गया, इफ टुडे इज वेनसडे देन व्हाट विल बी आफ्टर 24 डेज। क्या करेंगे हम, 24 डेज के नंबर ऑफ ऑड डेज निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, देखेंगे हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 7 3 21 रिमाइंडर क्या आ गया, 3, तो 3 हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ ऑड डेज। तो अब हम क्या करेंगे, आज का दिन क्या दे रखा है, वेनसडे, वेनसडे में हम क्या करेंगे, 3 को ऐड कर देंगे क्योंकि उसने हमें बोला है आफ्टर 24 डेज, तो 3 ऐड करेंगे, तो वेनसडे में 3 ऐड करने पर क्या होता है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो हमारा क्या आ गया आंसर, सैटरडे। देख लेते हैं इसी तरह, अगर वो आपको बोलता है कि आज हमारा क्या है, सैटरडे, तो बताओ बिफोर 22 डेज क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 22 डेज की क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ ऑड डेज, 7 से डिवाइड करने पर ऑड डेज क्या आ गया, 1। अब बिफोर पूछा है तो सैटरडे से क्या कर देंगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फ्राइडे। अगर वो आपसे पूछता बताओ बिफोर 39 वीक्स क्या होता, अब देखो मैंने आपको बताया था, कि कितने भी वीक्स हो हमारे वीक्स में नंबर ऑफ ऑड डेज क्या होंगे, हमेशा 0 होंगे, तो नंबर ऑफ ऑड डेज 0 है, तो सैटरडे में 0 बिफोर बोला है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, सेम सैटरडे। अगर उसने आफ्टर बोला होता तो भी हमारा क्या आता, आफ्टर में हम क्या कर देते, 0 को ऐड कर देते, तब भी हमारा क्या आता आंसर, सैटरडे। अब हम दूसरे टाइप की तरफ चलते हैं, इसी में एक और चीज देख लेना, अगर वो आपसे बोलता है ट्यूजडे देन व्हाट विल बी 29th डे, देखो दोनों क्वेश्चंस की लैंग्वेज में ना थोड़ा सा फर्क है, उसमें वो बोल रहा था कि हमें बताओ कि व्हाट विल बी आफ्टर 28 डेज, यहां उसने हमें बोला है व्हाट विल बी 29th डे, तो 29th डे क्या होगा, इसमें हमें 29 के और डेज नहीं निकालने हैं, 29th डे कब आएगा, 28 दिन बाद आएगा, 28 डेज बाद आएगा 29th डे, तो इस केस में हमें क्या करना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से देखना है कि उसने हमें पूछा क्या है, तो 29th डे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 28 डेज के बाद की पूछा गया है, तो 28 डेज के नंबर ऑफ ऑड डेज निकालेंगे, 28 डेज में हमारे नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे, 0, तो 29 डेज के बाद हमारा क्या होगा, ट्यूजडे प्लस 0 यानी कि 0। अगर वो आपसे पूछ लेता है व्हाट विल बी 35th डे, तो 35th डे क्या होगा, 34 डेज के बाद जो आएगा वो हमारा क्या होगा, 35th डे, तो हमें 35 के ऑड डेज ना निकालकर हमें किसके ऑड डेज निकालने हैं, 34 के, तो 34 के ऑड डेज क्या होंगे, 7 4 28 28 और 6 34, तो 6 हमारे नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे, और ट्यूजडे में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑड डेज को ऐड कर देंगे क्योंकि 35th डे हमें कैलेंडर में आगे जाने के लिए बोला गया है, तो ट्यूजडे प्लस 6 हमारा क्या होगा, ट्यूजडे प्लस 6 होगा हमारा मंडे। अब देखो एक और जो कैलकुलेशन है यहाँ, कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लो हमें 6 दिन बाद का बोला है तो हम उस केस में क्या कर सकते हैं, फिगर का सम हम कर सकते हैं 6 और 1 7,
17। यहाँ प्लस बोला है, अगर माइनस साइन हम चेंज कर देते हैं तो उस केस में हम वही आएगा हमारा आंसर, जो कि प्लस सिक्स करने से जो आंसर आना था वो प्लस माइनस सॉरी माइनस वन करने से जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा, सेम होगा। कहने का मतलब क्या है, अगर आपको 6 दिन बाद जाना है तो उस केस में 6 दिन प्लस करने के बजाय आप क्या कर सकते हो, माइनस वन भी कर सकते हो, तो भी हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, मंडे आएगा। कैसे आएगा, ठीक क्या है ये ठीक कैसे है, जितने नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं हमें, हमारे आंसर आए हैं जो नंबर ऑफ फोर डेज, उसका उसमें ऐसा क्या जोड़े कि 7 बन जाए। अगर यहां होता 5 तो उसमें क्या जोड़े कि 7 बन जाए, 2। और जो साइन अगर हमें प्लस का निकला हुआ है तो हम यहाँ माइनस कर देंगे, तो प्लस 6 जाने की बजाय अगर हम माइनस 1 जाए तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, मंडे। प्लस 5 जाने की बजाय अगर हम माइनस 2 जाए तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इसी तरह अगर आपको जाना हो माइनस 4 जाना है तो हम क्या करेंगे, साइन को चेंज कर देंगे और इसका सम बना देंगे 7। तो माइनस 4 की बजाय अगर हम प्लस 3 जाए तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप की तरफ। मान लो अगर उसने आपको क्वेश्चन दे दिया कि किसी भी मंथ की 5 तारीख को क्या था, संडे था, तो बताओ उस मंथ की 29 डेट को क्या होगा। तो इस केस में आप क्या करोगे, किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, देखो इन दोनों के बीच के टोटल नंबर ऑफ डेज निकालो। 29 माइनस 5 करेंगे तो क्या आएगा, 24। 24 में अब हम क्या निकाल देंगे, नंबर ऑफ ऑड डेज डिवाइड बाय 7 करेंगे तो ऑड डेज हमारे कितने आएंगे, 3। अब देखो कैलेंडर में हमें आगे जाना है, सेम मंथ की 5 से 29 पर जाना है, यानी कि कैलेंडर में आगे जाना है, तो हम संडे में क्या कर देंगे, प्लस नंबर ऑफ ऑड डेज, तो हमारे 29 डेट का आंसर क्या आ जाएगा, संडे प्लस 3 आ जाएगा हमारा वेडनेसडे। ठीक है, अब अगर आपको वो क्वेश्चन देता किसी मंथ की 18 तारीख को उसने क्या दे दिया, ट्यूसडे दे दिया, और वो आपसे पूछ रहा है बताओ उसी मंथ की 2 तारीख को क्या होगा, तो 18 से 2 हम कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं, तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमें क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है नंबर ऑफ ऑड डेज को, और टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होंगे, 18 माइनस 2 16 को 7 से डिवाइड करने पर ऑड डेज कितने आ गए, 2। तो 2 तारीख का जो डे है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ट्यूसडे माइनस 2 करेंगे तो वो क्या आएगा, संडे। तो अगर किसी महीने की 18 तारीख को ट्यूसडे था तो उसी महीने की 2 तारीख को हमारा क्या होगा, संडे होगा। इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, मतलब कि वो आपको एक गिवन डेट दे देगा किसी मंथ की, बताओ इस तारीख को ये है, तो उसी मंथ की किसी और तारीख के बारे में पूछ लेगा वो आपसे कि बताओ इस दिन क्या होगा, कौन सा डे होगा। अब हमारे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो क्या होते हैं, मान लो उसने बोल दिया इफ 3 डेज बिफोर टुडे, बिफोर यस्टरडे लगा दो, इफ 3 डेज बिफोर यस्टरडे वाज संडे देन व्हाट विल बी आफ्टर, व्हाट विल बी 3 डेज आफ्टर टुमारो, व्हाट विल बी 3 डेज आफ्टर टुमारो। अगर आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछा जाए तो उसमें क्या करना होता है, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन उनको सॉल्व करने का जो तरीका होता है ना वो बहुत ही सिंपल होता है, हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जो दिन आ रहे हैं ना हमारे उनको काउंट करते जाना। देखो 3 डेज यहाँ आए, बिफोर यस्टरडे भी एक दिन हो गया, 3 दिन यहाँ हो गए, संडे ये तो बता रखा है कि उस दिन क्या था, इसको छोड़ देते हैं, उसके बाद हमारे डेज कहाँ आए, 3 डेज यहाँ आए और एक डे हमारा कौन सा हो गया, टुमोरो वाला। तो टोटल डेज कितने हो गए, 3 और 1 4 और 3 7 और 1 8, तो टोटल डेज आ गए हमारे 8। 8 के
ओड डेज निकाल देंगे, एक तो ओड डेज निकालेंगे तो कितना आएगा वन, और गिवन डे में अगर आफ्टर का टाइम पूछा है तो हम गिवन डे में ऐड कर देंगे, और अगर हमें बिफोर वाला टाइम पूछा है तो हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अभी हमें क्या पूछा है कि बताओ, 3 दिन पहले का तो दे रखा है हमें यस्टरडे से, हमें टुमारो के 3 दिन बाद का पूछ रखा है, तो हम क्या करेंगे, संडे में हमारे नंबर ऑफ फोर डेज को ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, मंडे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मतलब आराम से समझने की कोशिश करना, अभी पहली बार समझा है तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है समझने में, एक बार फिर से समझते हैं इसी तरह का कोई क्वेश्चन। मान लो अगर उसने आपको क्वेश्चन दिया, इफ 5 days बिफोर yesterday was Tuesday, और आपसे पूछ रहा है then what will be 3 days after tomorrow, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ नंबर ऑफ डेज को काउंट करेंगे और उसके ऑड डेज निकाल देंगे, और उन गिवन ऑड डेज को अगर हमें कैलेंडर में आगे जाने को बोला है तो गिवन डे में ऐड कर देंगे, और अगर पीछे जाने के लिए बोला है तो हम गिवन डे से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो काउंट करते हैं हमारे नंबर ऑफ डेज कितने होंगे, 5 days यहाँ पर लिख लिया, एक दिन यस्टरडे वाला, उसके बाद वॉज ट्यूजडे, देन व्हाट विल बी 3 days आफ्टर, 3 days ये वाले, और एक दिन हमारा क्या हो गया टुमारो वाला, तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो गए, 5 और 1 6 और 3 9 और 1 10, 10 में हमारे नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आएंगे, 3। हमें कैलेंडर में आगे जाने के लिए बोला है तो हम क्या करेंगे, ट्यूजडे में 3 को ऐड कर देंगे, ट्यूजडे प्लस 3 क्या होगा, वेनसडे थर्सडे फ्राइडे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फ्राइडे। ऐसे इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। अगर उसने पूछा होता इसके जगह ये, हमने कैलेंडर में आगे जाने वाला क्वेश्चन किया, अगर पीछे जाने वाला क्वेश्चन अगर हम करके देखें तो वो क्या होगा, मान लो उसने बोल दिया इफ 2 days आफ्टर टुमारो वॉज मंडे देन व्हाट विल बी, इसमें उसने हमें कैलेंडर में पीछे जाने के लिए बोला है, हमें करना क्या है, सिर्फ नंबर ऑफ टोटल डेज को काउंट करना है, फिर उसके नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने हैं, तो चलो करते हैं काउंट। यहाँ हमारे कितने डेज आ गए, 2 + 1 दिन टुमारो का, उसके बाद 5 days ये, और एक दिन हमारा यस्टरडे का, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो गए, 2 और 1 3 और 5 8 और 1 9, 9 में हमारे नंबर ऑफ फोर डेज कितने आएंगे, 2। अब कैलेंडर में हमें आगे का दिन दे रखा है और पीछे का दिन पूछ रखा है, यानी कि कैलेंडर में हमें पीछे जाने के लिए बोल रखा है, तो हम क्या करेंगे, मंडे में से हमारे नंबर ऑफ फोर डेज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सैटरडे आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक टाइप थी क्वेश्चन की जो ज्यादातर वन डे एग्जामिनेशन में पूछ ली जाती है, और ये बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इस टाइप को देख के, जबकि इस टाइप में कुछ करना ही नहीं होता, बस नंबर ऑफ डेज काउंट करो, उसके ऑड डेज निकाल दो, और फिर जो हमारा गिवन डे है उससे सब्ट्रैक्ट कर दो या ऐड कर दो अकॉर्डिंगली, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं हमारा एक्चुअल कैलेंडर का टॉपिक, यानी कि रेफरेंस कैलेंडर, जिसमें हमें क्या दे रखा होगा, कोई एक डेट दे रखी होगी और हमें दूसरी डेट के बारे में पूछ रखा होगा। इसका फर्स्ट केस करते हैं सबसे पहले, इसके 4 cases हम करेंगे टोटल। तो फर्स्ट केस में वो हमें क्या देगा, मान लो उसने हमें दे दिया कि 15 जून 2003 को कोई दिन दे दिया उसने, संडे। ठीक है, और उसने हमसे पूछ लिया कि 15 जून
करेंगे जिसमें हमारे डेट और मंथ तो सेम होगा बट जो हमारे ईयर्स होंगे ना वो हमें अलग अलग दे रखे होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है वो देखो, हमें क्या करना है, जो ईयर्स है ना उनके हमें ऑड डेज निकालने हैं, और ऑड डेज निकाल कर अगर हमें कैलेंडर में आगे जाने को बोला है तो हम क्या कर देंगे, गिवन डे में ऐड कर देंगे ऑड डेज को, और अगर कैलेंडर में पीछे जाने के लिए बोला है तो हम उन ऑड डेज को क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह से करेंगे हम इन क्वेश्चंस को। ईयर्स में ऑड डेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो गिवन ईयर्स है ना उनके बीच के टोटल नंबर ऑफ ईयर्स को लिखते हैं सबसे पहले, और उसके बाद उसमें हम क्या कर देते हैं, इन सालों के बीच में जितने नंबर ऑफ लीप ईयर्स आए हैं उनको ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से जो आंसर आता है उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे और फिर जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ ऑड डेज। देखो एग्जांपल से कि कैसे निकालेंगे हम, देखो अब 2003 से लेकर 2015 तक टोटल ईयर्स कितने होंगे, 12 होंगे। अब यहां से यहां तक जाते हुए लीप ईयर कौन कौन से आएंगे वो हम कैलकुलेट करेंगे। 2004 था हमारा एक तो लीप ईयर 2003 से 15 के बीच में, 2004, उसके बाद आएगा 2008, देन आएगा हमारा 2012। तो तीन लीप ईयर आए हमारे 2003 से 2015 के बीच में, तो हम लिखेंगे इन तीनों को, तो 12 साल तो इन दोनों ईयर्स का गैप प्लस तीन इनके बीच में जितने भी लीप ईयर्स आए हैं वो, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 15 के अगर हम ऑड डेज निकालेंगे तो क्या आएंगे, रिमाइंडर 1 आएगा 7 से डिवाइड करने पर, तो 1 हमारे नंबर ऑफ ऑड डेज आ जाएंगे। अब देखो कैलेंडर में हमें कहाँ जाना है, आगे 2003 से 2015 जाना है, तो हम जो हमारे नंबर ऑफ ऑड डेज आए हैं उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि संडे में हम 1 ऐड करेंगे तो हमारा 15 जून 2015 को क्या आ जाएगा, मंडे आ जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल्स देखो, एक एग्जांपल में किसी को समझ नहीं आता है, जल्दी क्लियर हो जाएगा आप सबको, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना कैलेंडर की उतना ही ज्यादा इजीली और सेकंड्स में आप इसके सॉल्यूशंस को निकाल पाओगे। जैसे अगर मान लो उसने हमें क्वेश्चन दे दिया कि 2 मई 2007 को क्या था, संडे तो हर बार ही रहेगा, मान लो फ्राइडे था, पूछा क्या है उसने हमें, डेट और मंथ सेम रहेगी फर्स्ट केस में, 2 मई अगर उसने पूछ लिया बताओ 2 मई 2018 को क्या होगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, डेट और मंथ सेम है हमारा, दोनों ईयर्स के बीच का गैप निकालेंगे, 18 में से 7 दिए कितने आ गए 11 प्लस इनके बीच के लीप ईयर्स को काउंट करो आप, 2008 2012 और 2016, तो तीन लीप ईयर आ गए इन दोनों के बीच में, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ जो हमारा टोटल आया इन दोनों का वो क्या आया 14 के ऑड डेज निकालेंगे, क्या आएंगे 0 नंबर ऑफ ऑड डेज आएंगे। अगर मान लो यहाँ पर 0 की बजाय 1 या 2 आता तो हम क्या करते, कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो उसको ऐड करते, तो अब हम 0 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, फ्राइडे ही आ जाएगा। देख लेते हैं इस तरह के, ये तो बाय चांस ही कोई मतलब ही नहीं रहा था इस क्वेश्चन का, तो फिर भी निकालने का तरीका तो आपको समझ आ ही गया होगा इससे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मान लो अगर उसने आपको दे दिया 27 फेब 2004 को उसने हमें दे दिया, 27 फेब इसको दे दिया उसने हमें मंडे, और पूछा गया है हमसे कि बताओ 27 फेब 2016 को क्या होगा। अब देखो इस केस में हमें क्या भी ध्यान रखना है कि लीप ईयर कौन से काउंट होंगे, सबसे मेन ये बात ध्यान रखने की जरूरत है इस तरह के क्वेश्चंस में। देखो डेट और मंथ तो सेम है, इनका तो हमें कुछ करना ही नहीं है, अब इन दोनों ईयर्स के बीच का गैप निकालेंगे तो 16 माइनस 4 कितना आएगा 12 प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर। अब देखो 2004 का लीप ईयर हम काउंट करेंगे या नहीं ये हमें कहां से पता चलेगा, उसकी डेट से 27 फेब के
बाद आगे जाने के लिए बोला है। तो 27 फेब के बाद 2004 में हमारा 29 फेब आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, 29 फेब आएगा, तो हम 2004 को लीप ईयर में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम गिवन ईयर को, गिवन ईयर अगर हमारा लीप ईयर है तो उसको इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, वो हमें डेट को देखकर पता चलेगा। ठीक है, तो 2004 को हम इंक्लूड करेंगे इस केस में, उसके बाद 2008, 2012, अब 2016 को इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे? देखो यहाँ हमें डेट दे रखी है 27 फेब, यानी कि हमने 29 फेब को क्रॉस नहीं किया है, और जब 29 फेब को हमने क्रॉस ही नहीं किया है तो हम 2016 को लीप ईयर में कंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने बन गए? 2004, 8 और 12, यानी कि 3। तो 12 प्लस 3 15, 15 में हमारे नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे? 1। कैलेंडर में हमें आगे जाना है, आगे जाना है तो हम क्या कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ट्यूजडे आ जाएगा। ये तो हो गए हमारे आगे कैलेंडर में आगे जाने वाले क्वेश्चंस। अब हम करते हैं कैलेंडर में पीछे जाने वाले क्वेश्चंस की भी एक टाइप देख लेते हैं। मान लो अगर उसने आपको बोला है 21 जनवरी 2018 को उसने दे दिया, क्या दे दिया, संडे, मान लो, मान लो उसने दे दिया 21 जनवरी 2018 को संडे है, और आपसे पूछा गया है कि बताओ 21 जनवरी 2004 को क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले ईयर्स के बीच का गैप, 2018 और 4 के बीच का गैप कितना हो गया, 14 प्लस। अब 2004 से 2018 तक के हम क्या देखेंगे, लीप ईयर्स। अब देखो 2004 लीप ईयर है हमें पता है, लेकिन हमें ये देखना है कि यहां से यहां तक जाते हुए ये हमारा क्या 29 फेब को क्रॉस कर रहा है। अगर वो हमारे 29 फेब को क्रॉस कर रहा है यहां से यहां तक जाते हुए, तो हम उस ईयर को लीप ईयर में कंक्लूड करेंगे, अदरवाइज हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या डेट दे रखी है हमें, 21 जनवरी। 21 जनवरी से आगे अगर हम 2018 की तरफ जा रहे हैं तो हमारे 29 फेब ऑब्वियसली है कि वो आएगा 2004 में, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा 2004 हो गया एक लीप ईयर, फिर 8, देन 12 और देन 16, तो 4 हमारे लीप ईयर्स आ गए, 4 लीप ईयर आ गए, तो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स 18 बटे 7। अब इसके ऑड डेज निकालेंगे तो कितने आ जाएंगे, 4। अब देखो 2018 की हमें डेट दे रखी है और 2004 वाले के बारे में हमें पूछ रखा है, 18 से 4 तक जाते हुए हम कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, तो हमारे नंबर ऑफ ऑड डेज को हम गिवन डे में से क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, यानी कि संडे माइनस 4 करेंगे। तो संडे माइनस 4 करेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, माइनस 4 करने की बजाय प्लस 3 कर रही हूँ, क्या किया, साइन चेंज, दोनों का सम कितना बना दिया 7, तो माइनस 4 करने की बजाय मैं यहाँ क्या करूंगी, प्लस 3 करके आंसर निकाल दूंगी, क्या होगा वो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर, वेडनेसडे हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम पीछे जाने वाला, उसके बाद हमारे फर्स्ट केस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम हमारे सेकंड केस की तरफ मूव करेंगे। मान लो उसने आपको क्वेश्चन दे दिया कि 31 जुलाई 2013 को क्या है, ट्यूसडे है, और उसने आपको पूछ लिया कि बताओ 31 जुलाई 2001 को क्या होगा, तो क्या करेंगे हम, 2013 से 1 के बीच के नंबर ऑफ इयर्स कितने हैं, 12 प्लस, इनके बीच के लीप ईयर्स को काउंट करेंगे 2004, 2008 और 2012, तो कितने हो गए, 3 लीप ईयर हो गए, तो 12 प्लस 3 15, 15 के ऑड डेज कितने आएंगे, 1। अब कैलेंडर में हम क्या कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, 2013 से 2001 की तरफ जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑड डेज को सबट्रैक्ट कर देंगे, यह हमारा आंसर क्या आ जाएगा, मंडे आ जाएगा। तो ये था, इस तरह से हम कैलेंडर को क्या फर्स्ट केस कंप्लीट करते हैं।
और केस सेकंड के बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी यह हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और आपको क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है हमारी वीडियोस में वो भी हमें लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे